गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम अध्ययन करेंगे डिप्लोक एलिमेंट्स में स्पेशली देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कोऑर्डिनेशन नंबर और इनके जो चूंकि अपने डिप्लोक एलिमेंट्स में जैसे डिप्लोक एलिमेंट्स क्योंकि हमने इससे पहले फर्स्ट आर्टिस्ट से बात की थी, आज जो अभी हम दे रहे हैं सेकंड एंड थर्ड सेकंड एंड थर्ड आर्टिस्ट की बात करें। अब देश में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन में क्या अंतर होता है, क्योंकि बेसिकली प्रैक्टिस इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम पाई जाती है, दे आर हैव द मेटेलिक रिक्वेस्ट, बट कुछ नेचर ऐसी होती है जैसे कि इनकी जो कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी होती है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि भाई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जैसे टाइटेनियम H2 का O6 प्लस 3 है, इसके अलावा NiCN4 माइनस 2 है। यहाँ पे जो दोनों एग्जाम्पल है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हैं टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम मैग्नीशियम क्रोमियम, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एग्जाम्पल से, और इनकी जो टेंडेंसी नेचर में इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में देखा गया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जो इनके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो नेचर होता है या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन फॉर्मेशन में जो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर है वह ऑक्टेडल या टेडल यानी कि 6 और 4 हो गए, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखेगा। अब यहां पे अगर अपन बात करते हैं कि थर्ड और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनका कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स तो बनाते हैं लेकिन क्या होता है ये देखा गया है कि थर्ड और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो स्टैंडर्ड मेटल आयन होते हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 7 और 8 यानी कि उनकी जो कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी कि सेंट्रल मेटल आयन सराउंडिंग टू 7 और 8 लिगेंड्स, ये यहाँ पे इनकी विशेषता पाई जाती है। दूसरा जो डिफरेंस एक बेसिक नेचर होता है कि कई बार अपन देखते हैं कि डिप्लोक एलिमेंट्स का अध्ययन करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीडेशन नंबर्स है और आयनाइजेशन पोटेंशियल है, बहुत सारी इनकी जो प्रॉपर्टी है आयनिक प्रॉपर्टी है, कोवलेंट नेचर है, कॉम्प्लेक्स टेंडेंशन फॉर्मेशन है, ये डिप्लोक एलिमेंट्स का मैक्सिमम देखा जाता है तो फर्स्ट सीरीज का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक में अपन को जो सेकंड यूनिट है उसमें 3D सेकंड और 3D ट्रांजिशन सीरीज का भी हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर क्योंकि बेसिकली ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शोइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन कुछ बहुत ही सिंपल जो बहुत ही कम अनुपात में जो अंतर देखा जाता है कि एक तो इनकी जो सेकंड एंड थर्ड सेकंड और थर्ड आगे सीरीज है इसमें जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 7 8 7 और 8 6 और 4 किसका पाया जाता है क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो 6 भी होता है और 4 होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल 6 और 7 के, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चूंकि ये देखा गया था कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि इनमें जो
पैरल इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, द्वितीय तथा तृतीय संक्रम श्रेणी के संतुलनों पर लिगेंड के क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अधिकांश निम्न चक्र संतुलन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रथम प्राचीन सीरीज के संतुलन बनाने में लिगेंड क्षेत्र का अत्यधिक महत्व होता है। दैट्स राइट, कहने का मतलब यह है कि भाई कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर लिगेंड की अपनी एक सहभागिता होती है। मैंने यहाँ पे आपके सामने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स है, अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड में जो लिगेंड्स होता है उसका अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि सपोज डेट अगर लिगेंड क्या है, वीक है, अगर लिगेंड वीक है तो इलेक्ट्रॉन पेड नहीं होंगे और चुंबकीय हार्मोन जनरेट होगा, या कह सकते हैं वो लिगेंड जिसमें सॉरी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें लिगेंड क्या है, वीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। लेकिन अगर लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कपलिंग हो जाएंगे, यानी कि वो पेयरिंग हो जाएंगे, तो वहां पे चुंबकीय हार्मोन क्या होगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लिगेंड्स। लेकिन यहां पे देखा गया है, ये देखा गया है कि द्वितीय तथा तृतीय संक्रम श्रेणी के संकुलों पर लिगेंड के क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये पॉइंट नोट करना है। यहां पे चूंकि अपने पश्चादी सीरीज पढ़ी थी तो उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट था डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स, लेकिन यहाँ पे यानी कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखना इसका, इसके अतिरिक्त क्योंकि ये अधिकांश निम्न चक्रण संकुल ही बनाते हैं, मतलब अब यहाँ पे मैंने कहा था लो इनर स्फीयर यानी कि इनर स्फीयर, क्योंकि जो 3D है यानी कि सेकेंड और 3D जो सीरीज है ये सेंट्रल मेटल आयन में क्या होता है, लो स्पिन वाले बनते हैं। लो स्पिन का मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल भाग ले रहा है डी उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग होने की संभावना या पेड होते हैं, तो यहाँ पर यू कह सकते हैं कि भाई लिगेंड स्ट्रोंग है या वीक उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। सेकेंड, इसके अतिरिक्त द्वितीय और तृतीय संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन सीरीज के कॉम्प्लेक्स में एक और बात अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि इनके चुंबकीय आघूर्ण में केवल अनपेड इलेक्ट्रॉन का योगदान ही नहीं होता, वन चक्रण कक्ष यानी कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का भी महत्व होता है। अतः इनके चुंबकीय आघूर्ण के परिकल्प में संकुल विद्यमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही पर्याप्त नहीं होती, वरना इसके लिए अधिक जटिल संकरण का उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के यौगिकों की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पैरामैग्नेटिक गुण ताप पर भी टेम्परेचर पर भी निर्भर करते हैं, इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। कहने का मतलब यह है इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी है। और यहाँ पे 3D सेकेंड और 3D जो सीरीज के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वहाँ पे जो पेयरिंग और अनपेयर यानी कि अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है, जबकि अपन देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर क्या करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक तो होगा, अब सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे जो है इसमें देखना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात होगी। अब कुछ मेटल मेटल बॉन्डिंग या क्लस्टर फॉर्मेशन पाया जाता है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये कई बार देखा जाता है। यानी कि अपने कई बार एग्जांपल जैसा कि मैंने देखा था कि सपोज फर्स्ट सीरीज है लाइक दिस, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, बेरिलियम है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम आयरन, ठीक। तो इनमें क्या होता है,
यानी कि कलस्ट बोन फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, जबकि सेकेंड और थर्ड जंक्शन सीरीज के जो सेंट्रल मेटल लाइन है इनमें कलस्टर बोन फॉर्मेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर है। कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पर लिखता हूँ, जैसा कि MN2CO10, यानी कुछ एग्जांपल्स ये मैंने पश्चांदी सीरीज का लिखा है, MN2CO10 है, Fe2CO9 है, Fe2CO9 है, इसके अलावा Fe3CO2 है। ये जो एग्जांपल्स लिखे MN2CO10, Fe2CO9 और Fe3CO2, ये क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एग्जांपल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कुछ कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल है ना, ये तो हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेकेंड और थर्ड सीरीज के मैं कुछ एग्जांपल सीख रहा हूँ, ये मैं तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MN2CO10 और Fe3CO2। ठीक है, और CO2CO8 है, दैट इज CO2CO8, और एक एग्जांपल है CO4 2 है। ठीक है, ये तो है प्रथम ट्रांजिशन सीरीज, और बी में जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के कुछ क्लस्टर से एग्जांपल से लाइक दिस Ru3 Ru3 Co12 लाइक दिस। इसके अलावा है ऑस्मियम के साथ में Ca3 Co2 लाइक दिस, सॉरी ये कार्बन, इनको कंप्लीट वाले कुछ कार्बोनिल यौगिक होते हैं इस प्रकार की, जो कार्बोनिल यौगिक है ये जो यहाँ रखने जगह MN2CO10 है, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन की संख्या क्या होती, ज्यादा होती है, यानी कि सेट यू कर सकते हैं, एक सिंपल विभापन यू कर सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अपेक्षा। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो क्लस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सेंट्रल मेटल लाइन की संख्या क्या उसकी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, एक तो ध्यान रखिएगा, और इसमें कुछ मेटल्स सेकेंड सीरीज में जैसे मॉलिब्डेनम है, लाइक दिस, ये है, ये है, और रोडियम में RH, ये तीन मेटल्स है ना। ठीक है, धातुएं हैं ये, क्रोमियम सेकंड एस्टेट जैसे द्विनाभिक शंकु का भी निर्माण करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ एग्जांपल जैसे Re2 और ClF माइनस, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कुछ क्लस्टर फॉर्मेशन करती है, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर्स यानी कि इसमें क्लस्टर बोलते हैं गुच्छ, यानी कि कहने का मतलब इस तरह के गुच्छ का फॉर्मेशन होता है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन एक से अधिक होते हैं, और सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एज कंपेरेटिवली फर्स्ट सीरीज के अपेक्षा मैक्सिमम जो द्विनाभिक त्रिनाभिक यानी कि सेंट्रल मेटल आयन की संख्या भी क्या होती है, लेकिन उसके साथ ज्यादा होती है।
ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ और है इसमें, जैसे नाइबियम है, टेंटेलम है ना, कुछ NP6 शेल 12+2 और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जैसे मोलिब्डेनम और टंगस्टन के कुछ डाइराइड होते हैं, Mo2Cl12 है और टंगस्टन के साथ में ब्रोमाइड के 12 है। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो कुछ रेनियम ट्राइक्लोराइड है, Re3Cl9, मैं आपको लिख देता हूँ एग्जांपल। लेकिन ये आपको एक कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो याद करने चाहिए, बहुत कई बार पूछे जाते हैं, जैसे मोलिब्डेनम का है Mo6Cl2 इस तरह से, और टंगस्टन के साथ W6 ब्रोमाइड 2 है, और कुछ रेनियम के साथ में है Re Cl के लिए, इसी तरह Re3Cl9 है, ठीक है। ये तो एक इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ब्रिज टाइप से संरचना उनमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा जो और जैसे हमने कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी की देखा था, कॉम्प्लेक्स में इनके कुछ एग्जांपल्स है, जो 7 या 8 बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे, जैसे मैंने कहा था Y H2 का 4 8 ये इट्रिम के साथ में O प्लस 3 ये है, और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने। TaF6 है, NB नाइबियम के साथ में NBH7 -8 इस तरह से है, नाइबियम के साथ में साइनाइड का भी है, साइनाइड 8 -9। तो डेस्ट यहाँ पे बहुत ही मतलब अपने जो डिवलोक एलिमेंट्स का अध्ययन किया, तो उसमें बहुत ही अच्छा मैंने समझाने का प्रयास किया है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज, उसका एक अपने आप में एक अलग से अध्ययन है। और जैसे जो फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज होता है उसके पैरेलल अगर अपन सेकेंड ट्रांजिट सीरीज को लेकर चलेंगे, तो कुछ करेक्टरिस्टिक तो सेम ही होती है, कुछ जो है डिफरेंस मिलता है। वो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे 4-6 की जगह 7-8 मिल जाता है, कुछ डिफरेंस इनके मेटेलिक करेक्टर में पाया जाता है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पाया जाता है, कुछ कलर्स में पाया जाता है। तो आई थिंक दैट आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।